हेलो यूट्यूब, हेलो यू लवली पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज राज. इन टुडेज वीडियो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इस डोमिनार पे ये जो डिस्टेंस टूरिंग जो हम लोग करते हैं, देयर आर सम एसेंशियल एसेसरीज व्हिच वी नीड टू ऐड इट ऑन टू द बाइक टू मेक इट मोर कंफर्टेबल फॉर गोइंग टू अ लॉन्ग टूरिंग्स. तो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अबाउट द डिफरेंट एसेसरीज व्हाट वी हैव एडेड ऑन टू द बाइक व्हिच मेड आवर टूरिंग्स कंफर्टेबल. हम लोगों ने भी इस डोमिनार पे, मेरा जो डोमिनार 2017 मॉडल था और मेरा भाई का जो है दिस इज़ योर 2019 मॉडल, और इस पे हम लोगों ने बहुत ही लंबा लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग किया है. The reason why we add the extra accessories onto the bike is because जो बाइक आती है स्टॉक उसमें आपको ज़्यादा मतलब कुछ एक्सेसरीज मिलता नहीं है. आपको नॉर्मली आपका एक स्टॉक क्रैश गार्ड आता है, इसका तो विंडशील्ड भी नहीं था एक्चुअली, और बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस के साथ आता है. तो इसके वजह से जब हम लोग लॉन्ग टूरिंग पे जाते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है. एक होता है आपका लगेज होता है, दूसरा होता है कि आपको विंड बफेटिंग होता है, तीसरा होता है कि आपका लाइट, मतलब डोमिनर का लाइट जो है बहुत ही केपेबल है ऑन रोड में. लेकिन एट द सेम टाइम जब आप नाइट राइडिंग करते हो या फिर अर्ली मॉर्निंग निकलते हो, जब आपको डार्क रहती है देन योर लाइटिंग माइट नॉट बी सफिशेंट. सो आपको एक्स्ट्रा लैम्प्स, फॉग लैम्प्स की लगाने की ज़रूरत पड़ती है. बेहतरीन बाइक है फॉर दैट प्राइस पॉइंट. आई मीन ये साल हमारा भी बहुत कुछ प्लान्स था दिमाग में, बट बिकॉज ऑफ द कोरोना वी कुडंट डू मच विद द बाइक. बट देन अगेन दिस इज एन फैंटास्टिक बाइक. सो अभी हम लोग क्या करते हैं कि वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एसेसरीज व्हाट वी हैव एडेड टू द बाइक व्हिच वाज वेरी मच एसेंशियल फ्रॉम द टूरिंग पर्सपेक्टिव. सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द विंडशील्ड. जो ये विंडशील्ड है दिस इज फ्रॉम द कार्बन रेसिंग, और दिस वन व्हेन वी बॉट इट फॉर लाइक 1900. और ऊपर से ये जो क्लैम्प्स आता है तो आपको ये एडिशनली परचेस करनी पड़ेगी. तो ये हम लोगों को पड़ा था ओवरऑल लाइक यू नो 2100 या 2200 रुपीज़ कुछ हुआ था. ये हम लोगों ने हाईलैंडर पे इंस्टॉल करवाया था. बट दिस विंडशील्ड इज़ रियली गुड. आई मीन वैसे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये विंडशील्ड यू नो हाउ इट वर्क्स ऑन यू नो नेगोशिएटिंग द विंड एंड ऑल ऑन द हाईवेज एट हाई स्पीड्स. वेल लुक, I wouldn't say that you know it does its job absolutely amazing, but at the same time it's very decent. और इसका ये एक चीज़ ये है कि ये थोड़ा वॉबलिंग करता है एट द हायर स्पीड्स, बट देन अगेन इट्स नॉट दैट मच ऑफ लाइक यू नो इरिटेटिंग थिंग. बट नेक्स्ट दो आइटम्स है, ये आप देख सकते हो. ये है आपका फेंडर जो बीक है, और वो आपका फॉग लैम्प्स है. फॉग लैम्प्स मतलब मैंने कोई ब्रांडेड वाला फॉग लैम्प्स नहीं लगाया है. These are your local ones only. PLA, I think PLAA कुछ होता है. I mean we bought it from JC Road for like 1600 rupees. और ये जो फ्रंट फेंडर है this is from Autologue. This costed us like 1800 rupees actually. Programs, trust me, मानता हूँ कि ब्रांडेड वाले में कुछ ज़्यादा क्वालिटी होता है, बट देन अगेन इवन फॉर 1600 रुपीज़ दे डूइंग दे जॉब अमेजिंग. इसको हम लोगों ने अभी इट्स बीन लाइक मोर देन 2 years सिंस वी आर यूजिंग दोज फॉग लैम्प्स, और बहुत ही बेहतरीन फॉग लैम्प्स है. वो फॉग लैम्प्स मेरे 2017 डोमिनर पे था, तो उसको बेचने के बाद वो फॉग लैम्प्स मेरे भाई ने अपनी बाइक पे इंस्टॉल करवा दिया था. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. तो 2 साल हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है. कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम दिया नहीं है फॉग लैम्प्स ने. हम लोगों ने लद्दाख में यूज़ किया, भूटान में यूज़ किया. और ये फ्रंट फेंडर जो है ये भी बेहतरीन है. फॉर 1800 या 2000 रुपीज़ कुछ है ये. आई मीन दिस गिव्स यू अ बेटर एस्थेटिक लुक टू द बाइक, नथिंग एल्स. इम्पोर्टेंट थिंग इज द क्रैश गार्ड. ये क्रैश गार्ड जो है हम लोगों ने ज़ाना का लगवाया है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक द प्राइस वॉज अराउंड लाइक 4200. ये हम लोगों ने बैंगलोर में बाइक एंड बाइकर से खरीद के यू नो हम लोग इंस्टॉल करवाए थे. दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नो फॉर एनी बाइक, स्पेशली यू नो the guards which comes from your stock, you know it might not give you that 100% fall proof, but then again these are very good. I mean you can see that you know the engine is completely protected. At the same time the radiator guard is also been taken care of. Products अच्छा इसलिए लगता है कि because I have used it on my Dominar 2017 model for like 2 years. इसका इतना बेहतरीन क्वालिटी है कि आपको ऊपर से पेंट भी नहीं निकलता है. तो दैट काइंड ऑफ यू नो क्वालिटी व्हाट आई हैव फाउंड ऑन माय डोमिनर. यस देयर आर पीपल हु कंप्लेन विद द प्रोडक्ट, बट फॉर पर्सनली आई फाउंड दीज प्रोडक्ट्स वेरी अमेजिंग. सो क्या है कि क्रैश गार्ड लगाने से आपके दिमाग में वो डर सा निकल जाता है कि चलो भाई कहीं भी आप गिरते हो, फिसल जाते हो, देन अगर बाइक गिरती भी है तो आपका इंजन को कुछ नहीं होता है। सो इसीलिए क्रैश गार्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एसेसरी होता है। टाइम यू नो इट्स नॉट जस्ट जाना हु प्रोड्यूसेस दीज एसेसरीज, यू हैव अ कपल ऑफ देम इन द मार्केट एज वेल, लाइक यू नो यू हैव ऑटोलॉग, यू हैव हाइपर राइडर, कार्बन रेसिंग भी मतलब वो स्लाइडर टाइप वाला जो डिज़ाइन किए थे। सो देन यू नो ADB टाइप का भी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बिफोर यू नो इंस्टॉल or you know go for purchasing any of the brand, just do a bit of research or you know check out with the people who are using those accessories and then take a decision। कोई भी accessories install करते हो इससे पहले आप एक बार किसी से पूछ लो, आप YouTube में research करो, देखो क्या है and then you go for you know installing any of the product। So the next thing is your saddle stays, और ये जो saddle stays है this is from Zana again। एक्चुअली ये जो सैडल स्टे है दिस इज़ फॉर द पैनियर के लिए, जो मेरे भाई ने पैनियर्स ख़रीदा था फॉर दिस बाइक। इसका मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है ऑन द पैनियर्स, यू नो द क्वालिटी ऑफ द पैनियर्स, कैसे उसको माउंट करते हैं, एवरीथिंग अबाउट दोज पैनियर्स। सो उसका वीडियो जो है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। एट द सेम टाइम आप ये आई कार्ड भी क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो पे ले जाएगा। सो दिस पैनियर आई मीन दिस सैडल स्टेज आर बेसिकली फॉर द पैनियर्स, बट एक्चुअली यू नो इट्स मोस्ट स्टडी बिकॉज आपका जो पैनियर्स है बहुत हेवी रहता है, तो इसके वजह से क्या है कि आपको ये जो सैडल स्टेज है थोड़ा मतलब हेवी बनाते हैं टू अकोमोडेट दैट वेट। बट इफ यू कैन सी दैट यू नो दिस डिज़ाइन इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द वंस विच यू हैव फाइंड इट ऑन द सॉफ्ट सैडल स्टेज। आई लेट मी शो यू। सो इफ यू लुक एट दिस, योर दिस डिज़ाइन एंड ऑल विल बी डिफरेंट ऑन योर सॉफ्ट सैडल स्टेज। और ये देख सकते हो आप, ये भी this and all will be different actually। The next thing है कि आपको ये top rack जो है this is from Zana again, और आप देख सकते हो कि ये ये rack जो है this is quite good, this is good in quality as well। और आपको मतलब काफ़ी जगह भी मिलता है टू यू नो पुट ऑन योर लगेज। ट्रैक होने से क्या है कि आपको मतलब एक्स्ट्रा लगेज जो भी है, आपको डफल बैग्स जैसे जो भी मिलेगा आपको, आप यहाँ पे यू नो माउंट कर सकते हो विद द बंजीज अलॉन्ग एंड यू कैन यू नो कैरी एक्स्ट्रा लगेज अपार्ट फ्रॉम योर सैडल बैग्स एंड ऑल। और ऊपर से मतलब ये जो सैडल स्टेज है दिस आर यूनिवर्सल वंस, तो आपको मतलब कोई भी टॉप बॉक्स या फिर कुछ इंस्टॉल करना है तो दिस कैन accommodate। And then this, from my perspective, this is very important one। पिलियन बैठते हैं तो you know if in case you are traveling for like what 400 और 500 इन वेरी डिफिकल्ट, अगर आपको मतलब ये बैक सपोर्ट ना हो। यस, अगर आपको मतलब टॉप बॉक्स या फिर कुछ है देन यू डू नॉट नीड दिस सपोर्ट, बट अदरवाइज अगर वो नहीं है देन यू डेफिनेटली नीड दिस, अदरवाइज पिलियन की तो लग जाएगी भाई। फ्रॉम कार्बन रेसिंग एंड वी बॉट इट फॉर लाइक 2000 रुपीज़ और समथिंग। The quality of this backrest is very good man, seriously। Carbon Racing ने बहुत ही अच्छा backrest बनाया है। I have used it on my Dominar 2017 for 2 years and अभी भी मतलब उसका quality बहुत ही बढ़िया है वो। This is the another important accessories because आप जब भी touring पे जाते हो एंड स्पेशली अकेले जाते हो तो आपको मतलब ये माउंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोबाइल माउंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप मैप्स लगाना चाहते हो तो आप इस पर मोबाइल लगा के फिर आप मैप लगा के आप एकदम जाते रहो, कोई टेंशन ही नहीं रहता। अदरवाइज आपको क्या होता है कि आप रुक के हर बार मैप चेक करना पड़ेगा इफ इन केस, स्पेशली इफ यू डो नॉट हैव अ पिलियन लॉन्ग। सो ये जो है ये मतलब आपका जॉ वाला है। एट द सेम टाइम आपको दूसरा डिज़ाइन भी आता है जो क्लॉ का आता है, बट दिस विल एक्चुअली यू नो इज़ मच बेटर बिकॉज आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिलता है ताकि आपको हायर स्पीड्स में आपका मोबाइल जो है स्टडी रहेगा। दिस ऑल्सो कम्स विथ दी चार्जिंग पॉइंट ऑल्सो, सो आपको मतलब कहीं भी चार्जिंग कर सकते हो हमेशा ऑन दी गो। और अनदर थिंग है कि मतलब आप देख सकते हो एडजस्टेबल क्लच लीवर एंड द एडजस्टेबल ब्रेक लीवर जो है हम लोगों ने लगवाया है। द रीज़न बीइंग इज़ वन ऑफ द रीज़न इज़ लाइक आपको मतलब ज़्यादा पाम स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए एडजस्टेबल लीवर्स होने से क्या होता है कि आप एडजस्ट कर सकते हो जितना आपका पाम स्ट्रेच करना चाहते हो, विच इज़ एट द देन हम लोगों ने ये नकल गार्ड्स जो है ये KTM का नकल गार्ड्स है तो हम लोगों ने ये बाइक पे लगवाया है। द रीज़न बीइंग इज़ आपको मतलब ज़्यादा विंड वगैरह जो होता है तो वो बफेटिंग आपको ज़्यादा हाथ पे नहीं रहेगा। एट द सेम टाइम अगर कहीं क्रैश भी होते हो तो ये लीवर्स के लिए थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है। से देखो ये जो है ये फाइबर वाली है, इट माइट नॉट गिव यू दी 100% प्रोटेक्शन लाइक यू नो दी एल्यूमिनियम वंस एंड ऑल, बट अदरवाइज ये अपना काम लगा चला लेती है यार, मतलब दैट्स फाइन। बट बिकॉज आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट टू मच ऑन दी नकल गार्ड्स, तो इसलिए हम लोगों ने इसके साथ काम चलवा रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोगों ने इसको थोड़ा पेंट भी करवा दिया है टू मैच with the Orlauf green of the bike, so it gives a better aesthetic look to the bike. Look at this, you know how beautiful it looks, है ना? लग तो रहा है ना बेहतरीन। So like these are the accessories जो हम लोगों ने बाइक पे इंस्टॉल करवाए हैं, keeping in mind from you know touring perspective, जो कि काफ़ी essential भी होता है। But I know there are number of things which are available in the market. आप research करो, there are so many things you know. You can still spend like you know water, so there is no limit to it. But हम लोगों ने मतलब इतना spend नहीं किया है because देखो हमारा जो ध्यान होता है वो होता है touring पे, तो if you are ready to spend, you can spend like anything. But we don't want to spend too much. Rather than we want to you know use that money for the touring thing. I hope कि मैंने आपको मतलब सारा details explain कर दिया है in terms of the different accessories what we have, the brands. ऊपर से मैं इसको description में भी डाल दूँगा if in case you want to refer the product and you know buy those products. But apart from that, you know the products what we have used so far has been amazing from whichever brand we have used, and most of the things you know accessories जैसे कि मैंने आपको already बताया कि ये Zana से Zana का products है, and in fact मैंने अपने 2017 मॉडल पे भी Zana का ही products use किया था which was amazing, look phenomenal and the quality is top notch, and I hope कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो और आपके लिए मददगार भी। यू हैव एनी क्वेश्चंस और यू हैव एनी डाउट्स और यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि और इनफैक्ट आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर थम्स अप दे दीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। और बहुत ही जल्द हम लोग 1000 सब्सक्राइबर मार्क हिट करने वाले हैं, तो हमारे चैनल को ग्रो करने में ज़रूर मदद करिएगा। दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड टुडेज़ वीडियो। लिव लाइफ कीप प्राउडिंग, फॉलो योर पैशन, साइनिंग ऑफ राज, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद एंड बाय बाय।